नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं UKPSC RFO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की हम आपके साथ साझा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आप इससे आप सभी प्रश्नों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत करके आए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नामक ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है, तो तेलंगाना ने। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल्म निपोन 2021 आयोजित की गई थी जापान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 46, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। FSSAI के तीसरे खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा, गुजरात। ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। 100% COVID-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर। और अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम है आत्मनिधि। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1971। नजला बोडेन रमधाने किस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला नियुक्त हुई, तो ट्यूनीशिया की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया, HCL फाउंडेशन ने। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सत्या नडेला को। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति गोविंद वल्लभ भाई पंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। रम्मान को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, 2009 में। गणिका नाटक के लेखक हैं मोला राम। अवतार सिंह पंवार संबंधित हैं किससे, एक मूर्तिकार थे। और अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, टोक्यो को। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का CEO नियुक्त किया गया नकुल चोपड़ा को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया, गंगा को। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ, पौरव वर्मन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख बैजनाथ अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, चमोली का। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया, गोरान पेस्केलेविच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ललित उपाध्याय यूपी से संबंधित है। कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, गोविंद वन्यजीव विहार। हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई 1936 में। किस साल में मानव कंकाल पाए गए हैं, रूपकुंड में। उत्तराखंड में वन राजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है, ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ जनपद में। और रम्मान किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही, तो 2016 में। और अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद, ऑप्शन नंबर सी गिल्डियाल। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जिले में स्थित है, कौन पुरुषार्थ के संपादक थे, गिरिजा दत्त नेथानी। उस जिले का नाम बताना है जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। होली हिमालय पुस्तक के लेखक ई शर्मन ओकले। कुमाऊं का अंतिम राजा महेंद्र चंद्र गढ़वाल के शासक का नाम आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, मानपाल। और अगला प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेलमार्ग से जुड़ा, वर्ष 1900 में। खदलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है, भिलंगना। उत्तराखंड से खड़ी बोली के प्रथम कवि थे सुमित्रानंदन पंत, सॉरी पीताम्बर दत्त बड़ध्याल और शिव प्रसाद डबराल। चारण कह जाने जाते हैं एक इतिहासकार के रूप में। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कामेट और उत्तराखंड में
सबसे लंबा हिमनद मिलाम हिमनद। और अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा दाब को निरूपित करता है, बल बटे क्षेत्रफल, किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। अनावृत बीजे सबसे विकसित गुण है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, बीज विकसित होता है, ऑप्शन नंबर डी। मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन के कारण। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस मेटा का निर्माण होता है, एनाफेज में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन की प्रकृति पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, कौन प्राथमिक मेमोरी है, रैम। म्यूकर मायोसिस कवक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। किस जंतु में तीन हृदय व नीला रक्त होता है, ऑक्टोपस में। और अगला प्रश्न है, कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है, ये सभी। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स होते हैं, सिलिकॉन के। और सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य ईरान अभिलेख में पाया जाता है। नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है, जिमूत वाहन का, गोंडा फडनीस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, ऑप्शन नंबर बी अकबर। शिवाजी के अष्ट प्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष थे, सर ए नौबत। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया, 1874 में। और अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1658 में, एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग। और अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी के द्वारा की गई, रामचरितम। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित नहीं होता था, इनमें से कोई नहीं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, हाफ बाइट कहलाती है निब्बल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा वयस्क मताधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में फरमादेश, ऑप्शन नंबर बी। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय, ऑप्शन नंबर डी 29 विषय। भारतीय संविधान राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि मौलिक कर्तव्य। और भारत की राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक तिहाई पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम सजाना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के। उल्लिखित में से भारतीय संविधान में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा, मतदान की आयु को कम करना। और भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान। किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, 1953 में। और अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा उत्तराखंड। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और समुद्र की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत कब गठित हुआ, 27 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय है नोएडा में। और अगला प्रश्न है, कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे, काका साहिब कालेलकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विधि का शासन संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इसी प्रकार और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।